अच्छा जी, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, द रेप ऑफ द लॉक एज अ मैम। सोशल, ठीक है, और रेप ऑफ द लॉक जो है वो कहाँ किससे बिलोंग करती है, दैट बिलोंग टू 18th सेंचुरी सोशल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये तीन चार तरीके से आते हैं। नंबर एक, ऑगस्टन एज, ठीक है, के जी ये ऑगस्टन एज से ताल्लुक रखता है। नंबर टू, सेटायरिस्ट आ जाए तो भी आपका यही क्वेश्चन आएगा, यही आंसर आएगा। नियो क्लासिकल पोइट, नियो क्लासिकल हो तो भी यही क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आएगा। 18th सेंचुरी सोशल डॉक्यूमेंट हो तो भी यही आएगा। अच्छा जी, रेप ऑफ द लॉक को कहते हैं, देखते हैं कि वो कैसे सोशल डॉक्यूमेंट है। रेप ऑफ द लॉक इज डीपली रूटेड इन इट्स ओन टाइम एंड फुल अंडरस्टैंडिंग कैन बी बिल्ड अप ओनली फ्रॉम अ सेंस ऑफ द यूनिक मोमेंट इन विच इट अकर्स। हाउ फार डू यू एग्री? रेप ऑफ द लॉक जो है वो डीपली रूटेड है अपने ही टाइम में, और फुल अंडरस्टैंडिंग कैन बी बिल्ड अप, और फुल अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें बिल्ड अप की जाती है, की जा सकती है फ्रॉम अ सेंस ऑफ यूनिक मोमेंट इन विच इट अकर, उस मोमेंट पे, उस यूनिक मोमेंट पे जब वो अकर हुई थी। और वो कौन सा यूनिक मोमेंट था? वो 18th सेंचुरी लंदन सोसाइटी थी, वो हैम्पटन कोर्ट था, वो दो जो फैमिलीज हैं उनके दरमियान जो है एक फसाद हुआ था, उसको जो है इसके अंदर एक्सपोज किया गया था। उसके बाद है द रेप ऑफ द लॉक इज पॉप्स अटेम्प्ट टू डील डायरेक्टली विद सम ऑफ द बेसिक कंसर्न्स ऑफ ए सोसाइटी। रेप ऑफ द लॉक जो है वो पॉप की अटेम्प्ट है कि वो डील करता है डायरेक्टली सम ऑफ द बेसिक कंसर्न्स ऑफ ए सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के कुछ बेसिक कंसर्न से। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इनसाइट डज वी गेट इनटू फैशनेबल लंदन? हम फैशनेबल लंदन लाइफ से क्या हासिल करते हैं फ्रॉम द रेप ऑफ द लॉग? और उसके बाद है, डिलाइनेट द पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी एज रिफ्लेक्टेड इन पॉप्स रेप ऑफ द लॉग। और डिलाइनेट जो है वो मतलब एक्सप्लेन करें पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी जो कि रिफ्लेक्ट होती है इन द पॉप रेप ऑफ द लॉग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आंसर यहाँ पे देखिएगा, हिस्ट्री इज यूजली कंसर्न्ड टू बी द वर्क ऑफ प्रोफेशनल हिस्टोरियन टू राइट द अकाउंट ऑफ द पास्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस। हिस्ट्री इज देयरफॉर ग्रेटली कलर्ड बाय द प्रेजुडाइसेस ऑफ द प्रोफेशनल हिस्टोरियन, बट मच बेटर हिस्ट्री कैन बी फाउंड इन द लिटरेचर ऑफ द एज। कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी आ जाए ना, आपने ये पैराग्राफ जरूर ऐड करना कि हिस्ट्री जो है और वो जो एज होती है, वो जो जो भी राइटर होता है वो अपनी एज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द लिटरेरी राइटर इज एन अनकॉन्शियस हिस्टोरियन। वो जो लिटरेरी राइटर होता है वो अनकॉन्शियस हिस्टोरियन होता है, एक्चुअली वो हिस्ट्री ही लिख रहा होता है। हु इज नॉट गिविंग अस अ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री, जो कि हमें सिर्फ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री नहीं देता बल्कि स्लाइस ऑफ लाइफ भी देता है। एंड ही हैज विटनेस्ड एंड एक्सपीरियंस इन द सेंस पॉप इज कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज एज और द स्पोक्समैन ऑफ हिज एज। Because his poetry embodies the true spirit of 18th century London life, in the rape of the log, Pope has held up a mirror to his age, as in the Canterbury Tales, Chaucer has done for his own age. Pope is the most representative poet of his age. His masterpiece, The Rape of the Log, has caught up the spirit of the contemporaries in two respects. अब जो है वो भी representative था अपनी age का, और वो उसका जो मास्टरपीस है रेप ऑफ द लॉग, वो भी स्पिरिट ऑफ द कंटेंपरेरी एज दो एस्पेक्ट्स में देखा गया। इन इट्स स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज इन लाइन विद 18th सेंचुरी मोड ऑफ राइटिंग पोइट्री। फॉर एग्जांपल, पोइट्री वाज क्लासिकल एंड सटायरिकल। और उसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, इट इज इन द लाइन विद 18th सेंचुरी मोड ऑफ राइटिंग पोइट्री, तो पोइट्री जो है क्लासिकल और सटायरिकल दोनों थी। Secondly, it is a social document and is a social picture of that age in many aspects, such as social, moral, judicial, economical, political, or artistic, etc. Secondly, जो उसका social document है, वो जो है एक social picture of that age है in many respects, जैसा कि social, moral, judicial, economical, political, or artistic, etc. Noel aptly says that Shakespeare is the poet of man and Pope is the poet of society. और लॉयल ने एबली ये कहा था कि शेक्सपियर जो है वो पोएट ऑफ मैन है, जबकि पॉप जो है वो पोएट ऑफ सोसाइटी है। इसको अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिएगा। द रेप ऑफ द लॉक इज अ सोशल डॉक्यूमेंट एज इट मिरर्स अ कंटेंपरेरी सोसाइटी एंड कंटेन्स अ सोशल सटायर टू। इन द रेप ऑफ द लॉक पॉप गिव्स अस एन अम्यूजिंग पिक्चर ऑफ द सोसाइटी लेडीज ऑफ हिज टाइम।
He has criticized the fashion, the artificiality, the vanity and frivolity of this class. Belinda represents the typical fashionable ladies of the time. The study of the rape of the log tells us that the whole life of ladies of that time was confined to sleep. To sleeping, makeup, enjoyment, and alluring the lords. Their life was marked by affectation, ill nature, mischievousness, coquetry, infidelity, chiefness, meanness, trivialities, and frivolities, etc. But has no transcendental element. Transcendental elements कहते हैं exceeding or surprising in degree of excellence. मतलब उनके पास कोई बहुत कोई extraordinary उनके पास जो है वो नहीं थी. उनकी जो life थी मतलब just वो affectation थी, यानी कि दिखावा थी, ill nature थी, mischievousness थी, coquetry थी, infidelity थी, उनकी cheapness थी, उनकी meanness थी, और trivialities और frivolities etc. ये सब चीजें जबकि उनके अंदर कोई भी surpassing they were not surpassed in degree of excellence. Toilet was the chief concern of the ladies of 18th century. जो toilet जो है वो chief concern था ladies of 18th century का. Belinda is thus portrayed before her dressing table as a priestess. ठीक है, Belinda जो है वो portray होती है, यानी कि अपने सामने ही अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने ऐसे बैठती है जैसे कोई प्रीस्टेस होती है, जैसे कोई गॉडेस होती है, एडमिनिस्ट्रिंग द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड एट द ऑल्टर. वो एक ऐसी प्रीस्टेस के की तरह बैठती है, या गॉडेस तो नहीं, इसको प्रीस्टेस ही कहेंगे, जो कि एडमिनिस्टर कर रही होती है सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड एट द ऑल्टर. ऑल्टर वो उसकी ब्यूटी जो सामने हमारा जैसे कॉस्मेटिक टेबल होता है ना, उसको कहा जा रहा है कि वो उसके सामने बिल्कुल ऐसे बैठी होती है जैसे कोई प्रीस्टेस होती है, और वो अपने ऑल्टर, वो सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड एट ऑल्टर जो है उसको वो पूज रही होती है. द आर्टिकल्स ऑफ मेकअप आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर गैदर्ड फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. आर्टिकल्स ऑफ मेकअप जो होते हैं वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव और गैदर्ड होते हैं फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. पॉप डिस्क्राइब्स दिस टू शो द लेविश एंड फॉल्स सेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ हिज एज. मेरी एक फ्रेंड है, वो बिलोंग करती है, आप लोगों को पता होगा ये भावलपुर जो है स्टेट है अब्बासियों की ना, अब्बासी खानदान ने इस पे हुकुमरानी की है. तो ये जो अब्बासी खानदान से उसका ताल्लुक है, तो उन लोगों के पास ना दौलत बड़ी है, उनको समझ नहीं आती कि खर्च कहाँ करें. तो लिटरली जो है वो आए दिन जो है उसके कभी दुबई से मेकअप्स आ रहे होते हैं, कभी उसके ड्रेसेस जो है वो बाहर से आ रहे होते हैं, वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, पता नहीं कितने रियाल और कितने उस पे. और उसके बाद जो है वो जो है उसके बाद उसे वो सारे ड्रेसेस पहनने होते हैं, तैयार फुल होना होता है, और उसके बाद वो हमारे ग्रुप के अंदर सारा दिन उसकी तस्वीरें जो है वो आती रहती हैं. और टाइम की बहुत ज्यादा ऐसे लोगों के पास इतनी फरावानी होती है, आगे पीछे नौकर होते हैं, दौलत बड़ी होती है, और वजह इसके कि हम उस वक्त को और दौलत को कहीं और लगाएं, हम यहाँ पे लगा देते हैं. तो एक्चुअली देखें, मुगलों का जो जवाल हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था ना, कि बादशाहों का जितना भी जवाल हुआ था कि वो इस तरह की प्लेजर सीकिंग परस्यूट्स में पड़े गए थे, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी एंड ईच एंड एवरीथिंग. तो एंड शी ऑल्सो डिस्प्लेस इन बाय टेकिंग पिक्चर्स के देखो अब मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास गया. तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे लिए बड़ा प्राइड का बाइस बनते हैं, और हम उसको एडोर कर रहे होते हैं. पता नहीं ये ऐसी क्या चीज़ें हैं. ऑल द मुझे कभी भी ये चीज़ें कभी भी अट्रैक्ट नहीं की. और लेकिन नॉर्मली आजकल हम लोग ब्रांड्स कॉन्शियस इतने ज़्यादा हो गए कि हमारे लिए यही सारी चीज़ें रह गई. हमारे लिए जो प्लेजर्स रह गए हैं वो यही है कि हम जॉब कर लें तो एक अच्छा सा मोबाइल आ जाएगा, दो चार सफायर के जोड़े आ जाएंगे, तीन चार स्टाइलों की जूतियाँ आ जाएंगी. इससे आगे हमारी सोच कोई नहीं है. अगर हमें इंग्लिश लिटरेचर करना है तो क्यों करना है जी, वो जो पे मिलेगी उससे कम अज़ कम हम पिज़्ज़ा खाएंगे, आउटिंग करेंगे, जूते खरीद लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे, गेटअप जो है वो अपना बेहतर कर लेंगे. तो आर्टिकल्स ऑफ मेकअप आर वेरी एक्सपेंसिव. ये जो आर्टिकल्स हैं मेकअप के वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, और वो गैदर होते हैं फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. चारों कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से वो गैदर होते हैं. पॉप डिस्क्राइब दिस शो टू द लेविश एंड फॉल्स सेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ हिज एज. पॉप जो है वो डिस्क्राइब करता है टू शो हिज लेविश और फॉल्स सेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ हिज एज को.
और इसी लैविश और फॉल्स सेंस ऑफ वैल्यूज को अपनी एज को वो शो करता है. और अभी आप देखिएगा बेलिंडा के कैरेक्टर, स्पेशली जो हमारा कैंटो वन है उसमें क्या क्या होगा. और नो डाउट दैट इज दीज आर द थिंग्स जो एट दिस टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुकी हैं. दिस केक सेट इंडिया ग्लोइंग जेम्स अनलॉक, ठीक है, ये जो केक सेट इंडिया है यानी कि ये जो मेकअप बॉक्स है वो ग्लो करता है जेम्स अनलॉक, उसके अंदर जो है जेम्स जो है वो अनलॉक्स हैं. एंड ऑल अरेबिया ब्रीदेस फ्रॉम द योंडर बॉक्स. योंडर बॉक्स परफ्यूम को कहते हैं कि वो तमाम अरेबिया जो है वो योंडर बॉक्स परफ्यूम से उस जो है वो ब्रीद होते हैं. द सेम सेंस इज रिफ्लेक्टेड इन इनकॉन्ग्रिटी ऑफ बाइबल मिक्स विद द लिटर ऑफ पर्ब्स पाउडर पैचेस एंड बिलेट डॉग्स ऑन द ऑल्टर. दिस शोज दैट रिलीजन वॉज ओनली इमैच्योर ऑफ शो इन दैट एज. ये सेंस जो है वो इनकॉन्ग्रिटी ऑफ बाइबल जो है मिक्स विद लिटल ऑफ ऑल, यानी कि बाइबल की जगह जो है वो मिक्स हो जाती है विद लिटल ऑफ पफ्स पाउडर्स पैचेस और बिलेट डॉग्स, लव लेटर्स को कहते हैं, ऑन द ऑल्टर. ऑल्टर किसे कहा जाता है, उस टेबल को कहा जा रहा है जहाँ पे ये सारी चीजें डिस्प्लेड हैं. और दिस शोज दैट रिलीजन वॉज ओनली अ मैटर ऑफ शो. हमारे लिए भी रिलीजन जस्ट एक मैटर ऑफ शो है इन आवर एज, ठीक है, नाम के मुसलमान है, ठीक है, और किरदार के नहीं. इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी गुफ्तार का काजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका. कि हमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, गुफ्तार के तो हम काजी हैं, किरदार के काजी नहीं बन सकते अभी तक हम किरदार के काजी. हमारे पास बड़ा नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन बात सारी तब आती है जब किरदार के जो है जो गाजी हैं वो बनने. गाजी क्या होता है, ठीक है, तो किरदार के गाजी हम अभी तक बन नहीं सके. तो रिलीजन हमारे लिए सिर्फ मैटर ऑफ शो, जस्ट मैटर ऑफ शो. पर्स पाउडर्स पैचेस बाइबल्स बिलेट डॉग्स नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स. और पर्स पाउडर्स पैचेस बाइबल्स बिलेट डॉग्स और ये जो है ये सब क्या है, ऑफुल ब्यूटी है जो कि पुट्स ऑल इन आर्म्स, वो उसको फुली मतलब उससे लेस हो जाती है. ऑल द फैशनेबल वीमेन एंड ब्यूज गैदर्ड एट द प्लेस वेयर दे एक्सचेंज टॉक ऑन ट्राइबल थिंग्स. शादियों में क्या होता है, हमारी फंक्शंस में क्या होता है, फजूल किस्म की गॉसिप चल रही होती है. इवन वो जो मेहंदी का फंक्शन होता है जिसमें लड़के लड़कियां आमने सामने आ जाते हैं, आप जरा सिर्फ उनकी गॉसिप चेक करें. फॉर एग्जाम्पल विजिट्स बॉल्स फिल्म्स मोशंस लुक्स आईज एक्सेट्रा एंड एवरी वर्ड आर रेपुटेशन डाई. और एवरी वर्ड में एक रेपुटेशन डाई होती है. क्या, एक दूसरे की इंसल्ट करना, एक दूसरे को रिब्यूक करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, कजन्स के दरमियान कैसी गॉसिप चल रही होती है. और दूसरी चीज, जहाँ चार औरतें इकट्ठी हो जाती हैं वहां पे पांचवें की बुराई हो रही होती है, ठीक है. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एट एवरी वर्ड आर रेपुटेशन डाई. ये कुछ करते हैं हम अपने फंक्शंस में. तो देयर वाज सिंगिंग डांसिंग लॉफिंग ओगलिंग एक्सेट्रा एंड नथिंग एल्स. और वहां पे सिर्फ सिंगिंग डांसिंग लॉफिंग एंड ओगलिंग होती है. ओगलिंग क्या होती है, आंखों को मटकाना, इधर उधर देखना, और वहां पे और कुछ भी नहीं होता. The entire business of the fashionable women was to allure the dukes and lords. और वो जो entire business होता है fashionable women का, वो क्या है, वो है कि वो allure करें dukes and lords को. They had the shifting temperament and shifting choices made their hearts toy shop. उन्होंने वो जो है shift कर रहे करते हैं अपने, उनके shifting moods हैं, shifting temperaments हैं, shifting choices हैं, यानी कि कभी एक और कभी दूसरी, और made their heart toy shop. They yield to एवरी न्यू चार्म एंड ग्रैंडर. और वो जो है उन्होंने अपने हार्ट्स को टॉय शॉप बनाया हुआ है. और दे यील्ड टू एवरी न्यू चार्म. और हर न्यू चार्म और हर न्यू ग्रैंडर, हर वक्त हमें यही फिक्र रहती है अब न्यू फैशन क्या आ गया है, न्यू हेयर स्टाइल कैसा है, आजकल न्यू क्या चल रहा है ना, ऐसे ही है. तो वो हर न्यू चार्म और ग्रैंडर के पीछे उनके जो टॉय हार्ट्स हैं वो टॉय शॉप बने हुए हैं विद वेयरिंग द वैनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट, ठीक है. और वो वेरी करते हैं, उनकी वैनिटीज जो है वो वेरी करती हैं, ठीक है, हर पार्ट से. दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट. उनके जो दिल हैं वो मूविंग टॉयज हैं, कभी उनकी चॉइस एक चीज पे टिकती ही नहीं है. खूब से खूब तर की तलाश में और पिछला छोड़ देते हैं और अगला पकड़ लेते हैं. दिस शोज द मॉरल बैंकरप्टसी ऑफ द लेडीज ऑफ हिज टाइम. और ये जो है शो करता है moral bankruptcy, यानी कि hypocrisy of ladies of his time को. Honor is a word with little meaning for them. Honor जो है उनके लिए एक ऐसा word little meaning for them है. Honor उनके लिए
कोई किरदार का ऑनर नहीं है उनके लिए, वो जो है ऑनर वो जस्ट एक लिटल मीनिंग है फॉर देम, अकॉर्डिंग टू देम द लॉस ऑफ ऑनर डज नॉट मैटर इफ रेपुटेशन इज नॉट लॉस्ट. वो कहता है कि लॉस ऑफ ऑनर नहीं मैटर करता अगर आपकी रेपुटेशन जो है वो नहीं लॉस्ट होती. हम लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हर वक्त इधर उधर मारे मारे फिरते हैं ना, बिकॉज वी आर द पीपल कॉन्शियस. देर आर सेवरल पैसेजेस इन द पोएम विच शोज देयर मॉरल डिजेनरेशन, और सेवरल पैसेजेस हैं पोएम के अंदर जो कि उनकी मॉरल डिजेनरेशन को शो करते हैं. फॉर इंस्टेंस, फॉर अ लेडी द स्टेनिंग ऑफ ऑनर इज नॉट मोर सीरियस देन द स्टेनिंग ऑफ द न्यू ब्रोकेड. एक औरत के लिए स्टेनिंग ऑफ ऑनर जो है इतना सीरियस नहीं है देन द स्टेनिंग ऑफ न्यू ब्रोकेड के उसके न्यू चोगे के ऊपर, उसके कपड़े के ऊपर कोई दाग लग जाए. हम महंगे कपड़े खरीद तो लेते हैं लेकिन उसकी केयर कितनी करनी पड़ती है. वो शिफोन का जो जोड़ा हम लेके आते हैं मार्केट से और वो भी प्योर होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको धो नहीं सकते. आपको वो वैसे ही उठाना है, वैसे ही आपने शादी से वापस आना, वैसे ही अलमारी में लटका देना, लेकिन आप उसको धो नहीं सकते. एक दफा आपकी शिफोन धुलती है वो हमेशा के लिए खराब हो जाती है. और उस ब्रोकेड के ऊपर अगर धब्बा लग जाए तो हमारे लिए कितना एक अजाब हो जाता है कि आप इसको कैसे साफ करें. और उसका वो एक दफा ऑयल लग जाए तो साफ होता भी नहीं है. मिसिंग अ डांस पार्टी इज अ सीरियस मैटर एज फॉर गेटिंग हर प्रेयर. और मिसिंग की जाए एक डांस पार्टी वो एक सीरियस मैटर है एज फॉर गेटिंग हर प्रेयर, कि वो फॉरगेट करती है अपनी प्रेयर को. यानी कि उसके लिए एक डांस पार्टी का जो मिस हो जाना वो इतना सीरियस मैटर है जैसे कोई अपनी प्रेयर जो है फॉरगेट कर दे. वेदर द नेम शैल ब्रेक डायनास लॉ. डायनास लॉ कहते हैं ऑनर चैस्टिटी को. और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव्ड अ फ्लॉ, या किसी फ्रेल चाइना जार जो है वो रिसीव करे एक फ्लॉ, यानी कि वो टूट जाए और स्टेन हर ऑनर, या उसका ऑनर जो है वो स्टेन हो जाए और हर न्यू ब्रोकेड, या उसका न्यू ब्रोकेड जो है उस पर कोई धब्बा लग जाए. फॉरगेट हर प्रेयर और मिस अ मैस्कुरेड, उसके लिए जो है अपना मैस्कुरेड यानी कि डांस पार्टी. मैस्कुरेड कहते हैं ऐसी पार्टी जिसके अंदर एक मास्क पहन के डांस किया जाता है. या आपको इंग्लिश मूवीज में या इंडियन मूवीज में मैस्कुरेड्स जो है वो नजर आते रहते होंगे. और लॉस हर हार्ट और नेकलेस एट द बॉल, वो जो है उसके लिए अपना जो लॉस हो जाना उसके हार्ट का वो बिल्कुल ऐसे जैसे उसका नेकलेस लॉस हो गया हो एक बॉल पे. और वेदर हेवन हैज डूम दैट शॉक मस्ट फॉल, और वेदर हेवन जो है उसने डूम कर दिया है, उसने उसकी किस्मत में लिख दिया है कि शायद शॉक जो है यानी कि उसका जो कुत्ता है वो अब मर जाएगा. तो वो जो है मतलब इस निम के लिए ऑनर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एक चाइना जार जो है उसका टूट जाना उसके लिए बहुत ज्यादा दुख का बायस है. और उसका जो ऑनर है उस पर स्टेन इसी तरह है जैसे उसके न्यू ब्रोकेड के ऊपर कोई धब्बा लग जाए. वो अपनी प्रेयर्स जो है वो उसके लिए मैस्कुरेड जो है वो मिस कर देना, डांसिंग पार्टी मिस कर देना, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो अपनी कोई फॉरगेट कर जाती है अपनी प्रेयर को. उसके लिए अपना नेकलेस जो है वो एट बॉल खो जाना ऐसे है जैसे उसने अपना दिल ही खो दिया. और वेदर द हेवन हैव डूम दैट शॉक मस्ट डाई, और ऐसे उसको लगता है जैसे शॉक जो है उसको मर जाना है. दैट्स द पोएम एक्सपोजेस द सुपरफिशियलिटी, शैलोनेस, लेजीनेस, इडलनेस, प्रूडरी, हाइपोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑब्स्क्योरिटी, फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी, एक्सेसिव सेल्फ एम्बेलिशमेंट एंड सेल्फ स्कैंडल्स एक्सेट्रा प्रेवेलेंट एट दैट टाइम. द रेप ऑफ द लॉक ऑल्सो गिव्स अ रियल पिक्चर ऑफ द फैशनेबल जेंटलमैन ऑफ दैट एज. They were in fact as frivolous as the ladies of age. Not only ladies ke upar satire nahi hai, ab fashionable gentlemen ki bhi bari aati hai. They were very careful in dressing up and wore wide skirted coats, high-heeled shoes, flaunted their snuff boxes and drove in coaches. They drank heavily and played games and stakes. The chivalry was dead and fops visited clubs and coffee houses. They spend their time in idle frivolities and amorous intrigues. Pope also gives a detailed description of famous places of London. For example, there is Hampton Court, the place of English Queen, situated on the bank of River Thames. It was in this palace, us mahal mein that Belinda and her companion played cards and enjoyed coffee. Wahan pe ab wo cards bhi khelte hain aur coffee bhi peete hain. We are also told about Hyde Park of its famous drive where fashionable people rode in their coaches and sedan chairs. Though the rape of the lock is mainly concerned with the aristocratic fashionable society, Pope also brings into account of politicians.
who do not have deeper insight and take steps only for the personal benefit. The friends whose friendship is but a lust, and the judges who make hasty decisions when the day's work is over. The hungry judges soon the sentence sign and raise the hand that jurymen dine. वो जो वो कहते हैं कि दिन के खत्म होने के साथ साथ लोगों के अंदर जजेस के अंदर भी एक लस्ट है कि वो हेस्टी डिसीजन करते हैं जब दिन का काम दिन जो है वो खत्म होने वाला होता है. तो ये जो हंग्री जजेस होते हैं, ये जो लस्टी जजेस होते हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो जो है साइन कर देते हैं, मतलब डिसीजन जो है वो दे देते हैं. एंड रेचेस हैंग दैट ज्यूरीमैन डाइन, और वो जो है फांसी पे लटका देते हैं. दैट ज्यूरी मैन मे डाइन, के वो क्योंकि वो जो ज्यूरी मैन जो है उसने खाने पे जाना होता है. द रेप ऑफ द लॉक इज आल्सो परफेक्ट एग्जांपल एंड फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ लिटरेरी टेंडेंसीज एंड टास्क ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड. बर्लेस्क ऐसे ह्यूमर को कहते हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है. पैरोडी कहते हैं किसी की कॉपी करने को. हीरोइक कॉपलेट आपको पता ही है जिसकी राइमिंग स्कीम सेम होती है, ऐसी वर्सेस को हीरोइक कॉपलेट कहा जाता है. क्रिटिसिज्म एंड सटायर वाज द बिजनेस ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स और द पोएट्स ऑफ ऑगस्टन और न्यू क्लासिकल एज. पॉप एक्सेल्ड इन ऑल दिस प्रेजेंटेड एज अ ट्रू पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी. एज लेस्ली स्टीफन सेज, no writer reflects so clearly and completely the spirit of his own day as Bob does. To sum up, we can say that picture of 18th century social life in the Rape of the Lock is a satirical, and the poet exposes its failure and frivolities in a delightful manner. His picture of contemporary life is vivid, realistic, and faithful. He wonderfully succeeds in depicting the world of fashion in its most gorgeous and attractive views. In conclusion, we can say in the words of an American critic, Bob in the Rape of the Lock has caught and fixed forever atmosphere of his age. He can aptly be called the best spokesman and representative poet of his age in the whole range of English poets and writers. Aap bas itna likhe. In conclusion, we can say in the words of an American critic, he said to him, the best spokesman and the representative of the poet of his age in whole range of English poets and writers. Bas inverted commas close. Itna kafi hai, bahut lamba likhne ki zarurat nahi hai. Aage beta points to remember hai, ye hum pad chuke hain. Yahan tak kisi ka koi question hai to kal hum inshallah beta text start karenge. Be ready along with your textbook.